अब स्टार्ट करेंगे हम क्लास टेंथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर्स। हमने क्लास नाइन्थ में जो बातें पढ़ी है उसी के आगे का ये चैप्टर है ना। क्लास नाइन्थ में जो हमने संख्या पद्धति पढ़ा था पहला चैप्टर, ठीक है ना, पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, संख्या पद्धति की संख्याएँ क्या होती है, किस प्रकार की होती है ना, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। मतलब ये बात मान के चलिए कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये सारी बातें मालूम होना जरूरी है, तभी मज़ा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है ना, और सारी बातें समझ में आएगी। और यदि आपको नहीं आता है, नहीं मालूम ये सारी बातें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे पहले वाला वीडियो, जो पहला वीडियो है इस चैप्टर का, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने नाइन्थ क्लास में जितनी भी बातें पढ़ी है वो सारी बातों पर हमने डिस्कशन किया है, ठीक है ना। तो वो सारी बातें आपको पहले देखना है, एक डेढ़ घंटे का वीडियो है, उसको आप देखेंगे और सारी बातें नोट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में ये सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने वाली है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एकदम बिल्कुल आसान चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की देरी है इसमें। एक कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। ओवरऑल हमने जो पिछले वीडियो में जो पढ़ा था बिल्कुल एकदम शॉर्ट में और एक बार डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है। आप देखना ये क्या दिखाई दे रहा है, एक रेखा दिखाई दे रही है, मैं इस रेखा को संख्या रेखा बना रहा हूँ। संख्या रेखा कैसे बनाई जाती है और एक बार समझ लेना, छठवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, क्या करते हैं समान दूरी पर, एक एक इकाई के दूरी पर, समान दूरी पर इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं। आपको मालूम है कि भाई ये रेखा जो है वो इधर अनंत की ओर जाएगी और इधर भी अनंत की ओर जाएगी, तीर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब दोनों इधर तीर के चिन्ह लगे, दोनों इधर अनंत की ओर जाएगी। कहने का मतलब इधर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इधर की ओर भी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये अनंत की ओर जाएगी। इस संख्या रेखा पर मैं कहीं पर जीरो मान लेता हूँ, मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर शून्य मान लिया, और यहाँ पर एक एक कदम पर यानी कि एक एक इकाई पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ऐसा लिख देता हूँ। और स्वाभाविक सी बात है कि ये संख्या आगे की ओर जा रही है तो 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा और ये अनंत तक आते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम, अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो, जो कि हमें संख्या पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसी प्रकार से अगर इधर की ओर भी अगर देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 और इसी प्रकार से ये अनंत की ओर जाती है ना, ऋण अनंत की ओर, क्योंकि तीर का चिन्ह लगा है ना इधर भी, तो इधर भी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बातें हमें मालूम है। और भी संख्याएं होती है ना, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा नहीं भी। देखिए आप ऐसा याद रखिए कि जो चीज़ें बता रहे हम उस पर ध्यान रखिए, अब पिछला क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ आप, ठीक है ना। फिर भी चीज़ें ऐसा नहीं कि अरे सर ये तो हमें मालूम ही नहीं था और ये सारी चीज़ें अब कैसे समझ में आएगा, अरे भाई जो नहीं मालूम था वो बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान देना इधर, ये संख्या रेखा, जब ये ऐसी संख्या को हम प्रदर्शित करना चालू कर देते ना इस पर, तो रेखा क्या बन जाती है, संख्या रेखा बन जाती है, क्योंकि संख्याओं को दिखाया है इस पर। अब संख्या रेखा इतनी ही नहीं होती है, संख्या रेखा इसके बीच में भी बहुत सारी संख्या होती है, तो कितनी होती है। अगर मान लिया जाए कि मुझे ये दो संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करना है, तो बहुत सारी संख्या है शून्य और ऋण एक के बीच में, इसके बीच में भी बहुत सारी संख्या है, इसके बीच में भी बहुत सारी संख्या है, इसके बीच में भी बहुत सारी, इसके बीच में भी बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। और वो अनंत संख्या कौन सी होती है, तो या तो वो परिमेय संख्या हो सकती है या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक, ये बात क्लियर है ना। अनंत संख्या, अगर आपसे बोला जाए कि दो और तीन के बीच में कितनी संख्या है, कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत है, कभी खत्म नहीं होगी, जैसे बोल सकते आप, मान लिया जाए कि ये है और ये एक है और ये दो है, एक और दो, अब कैसी अनंत होती है देखना, 1.1 इससे बड़ी है और इससे छोटी है, 1.2, 1.3, 1.4, दशमलव के बाद में आप
अनंत तक गिनती लिखते जाओ ना, 4, 5, 6, 7, 100, 1,000,00,000, 10,00,00,00, 10 करोड़, 10 करोड़, मतलब एक के बाद दशमलव लगाने के बाद में आपको जितनी गिनती लिखना है उतनी लिखो, सारी की सारी एक और दो के बीच में ही होगी, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या भी कई सारी लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, मान लिया गया कि वर्गमूल 2.1, वर्गमूल 2.2, वर्गमूल 2.3, कई सारी संख्या है ना, ठीक है ना, वर्गमूल 1.1, वर्गमूल 1.2, ये वाली क्या है, सारी की सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, जो वर्गमूल में आती है और जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, तो उसको क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या बोला जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में कई सारी, अच्छा इनके बीच में कई सारी अनंत परिमेय संख्या भी होती है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। जो संख्याएं दिखाई दे रही ना अभी, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, वो सारी की सारी परिमेय संख्या भी है, आई बात समझ में, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं जो अभी दिखाई दे रही है, जो नहीं दिख रही है वो छुपी हुई है, परिमेय और अपरिमेय संख्या इसके बीच में छुपी हुई है, क्लियर। अब देखिए, हमें यहाँ पर जो ये वाली संख्या दिखाई दे रही है, ये वाली संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, या इसी को धनात्मक पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी इसको कहा जाता है। क्यों, पूर्णांक तो ये पूरी संख्या है, पूर्णांक होती है, लेकिन धनात्मक वाली जो होती है ये होती है। तो याद रखना, प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक भी बोला जाता है, बहुत बार बोला जाएगा, अभी देखना ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक शब्द का उपयोग कई बार किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इस संख्या को ऐसा कर दूं, देखिए ये जो प्राकृत संख्या है उनको भी और इनको शून्य को भी मिला दूं, तो ये वाली जो संख्या कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण कहने का मतलब प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, पूर्ण संख्या में शून्य शामिल हो जाता है, पूर्ण संख्या। अच्छा अब और देखना, ये सारी की सारी संख्या है, जितनी भी संख्याएं लिखी है यहाँ पर, ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और शून्य भी, ये कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, आई बात समझ में, केवल इतनी सी बात अभी तक याद रखना है आपको। अब इसके आगे की हम बात करते, देखना हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या का मतलब प्राकृत संख्या भी हो गई, पूर्ण भी हो गई, पूर्णांक भी हो गई, परिमेय भी हो गई और अपरिमेय भी हो गई। जितनी भी संख्या है, सारी की सारी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया कि जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या जो होती है उसके अलावा भी दुनिया में और संख्याएँ होती है, वो कौन सी होती है, तो अवास्तविक होती है, सम्मिश्र संख्या बोला जाता, और वो बातें हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। 10th क्लास में अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। अब पहले चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको करना है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन करना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है, तो नाम ही स्पष्ट है, यूक्लिड यानी कोई गणितज्ञ का नाम होगा, विभाजन यानी भाग देना, तो भाग देने की कुछ ना कुछ बात की जाएगी यहाँ पर, और प्रमेयिका क्या होता है, देखिए प्रमेयिका मैं आपको बता दूं कि गणित जो है ना, इसको पढ़ने का तरीका जो होता है ना, इसके नामों को तोड़ दो आप, तो आधी समस्या आपके वहीं पर हल हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी नाम अगर दिखता है, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात की है, तो उसके नाम की मीनिंग समझो आप, और वो समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपका आधा काम, आधी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, और आपको मालूम है कि 9th क्लास में आपने यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ा था कि भैया यूक्लिड ने क्या क्या खोजे की थी, तो पूरा ज्यामिति में प्राथमिक लेवल पर जो खोजे की थी वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर। तो यूक्लिड क्या है, गणितज्ञ है, और विभाजन की बात की है, विभाजन यानी भाग देना, और प्रमेयिका और एक होता है प्रमेय, दोनों में अंतर क्या होता है, यह क्या होता है, स्वयं सिद्ध कथन होता है, स्वयं सिद्ध कथन होता है, आई बात समझ में, स्वयं सिद्ध कथन होता है।
जैसे आपका नाम अगर मान लिया जाए राहुल है, तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम राहुल ही है, ये स्वयं सिद्ध है। आपका नाम राहुल मिश्रा है तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि आपका, कभी बोला क्या किसी ने सिद्ध करो कि आप राहुल मिश्रा हो, ऐसा जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार का स्वयं सिद्ध कथन होता है जो सर्वोपरि क्या होता है, सत्य होता है, वो हर जगह सत्य होता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई प्रमेय है, अब प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा, तो फिर सिद्ध करने के लिए मदद लेना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है इसलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें पहले एक भाग, चार भागों में विभाजित किया गया है इस चैप्टर को। तो पहला भाग तो ये करना है, दूसरा भाग ये यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि यूक्लिड क्या है, एक गणितज्ञ है, विभाजन यानी भाग देना होता है, और प्रमेयिका का मतलब स्वयं सिद्ध कथन होता है, ठीक है। चलिए, अब गणित की आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, यहाँ पर गणित की आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करना है। कहने का मतलब दुनिया की कोई भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसा लिखा जाएगा, जब हम वो पढ़ेंगे तब उस समय में समझेंगे हम इस बात को। इसके बाद देखिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। भाई हमने 9th क्लास में ये देखा था कि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या लिखो कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे मान लिया जाए मैंने 8 लिख दिया, अब मुझे बताओ कि 8 का क्या होगा, 2 से विभाजित होगा तो 4 बार, 2 से विभाजित होगा तो 2 बार, और 2 से विभाजित होगा तो 1 बार। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। आपको मालूम है कि 8 का वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 8^1/2 होता है ना, यही मीनिंग है ना भाई। जब ये चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी लिखा है उसकी घात क्या होती है, 1/2, ये याद रखना, मालूम होगा ऐसे सबको, लेकिन ये याद रखना कि 8^1/2 होता है इसका मतलब। अच्छा, 8^1/2 है ना, इसलिए 2-2 की जोड़ियाँ बनाई जाती है। देखिए, एक जैसा है, 2-2 की जोड़ियाँ बनाई तो 2 जोड़ी बन के ये बाहर निकल गया, जोड़ी का एक ही बाहर निकला जाता है, 2-2 की जोड़ी बनी तो एक 2 को बाहर निकल दिया, अरे ये बेचारा रह गया अंदर, इसकी कोई जोड़ीदार ही नहीं है इसलिए अंदर रह गया, है ना। तो जितनी जोड़ियाँ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जो रह गया उसको छोड़ दो। तो आपके पास में पूरी की पूरी संख्या वर्गमूल के बाहर निकल गई क्या, नहीं, वर्गमूल के अंदर अटक गई। जैसे मान लिया जाए 81 है वर्गमूल के अंदर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 81 को 3 से विभाजित किया जा सकता है, तो 3 × 27 = 81, 3×9 = 27, और 3 × 3 = 3 और 3 × 1 = 1। 81 को कैसा लिखा जा सकता है, 3 × 3 × 3 × 3। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक जोड़ी ये निकल रही, एक जोड़ी ये निकल रही बाहर, यानी कि 3 और 3 बाहर निकल गया, तो 3 × 3 में गुना किया तो 9, वर्गमूल गायब हो गया। जब वर्गमूल गायब हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। और वर्गमूल के बाहर नहीं निकल रही तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक। तो अभी तक हमने केवल इतनी बात देखी ना कि जो वर्गमूल के बाहर निकल जाती परिमेय, और जो वर्गमूल के बाहर नहीं निकलती वो अपरिमेय। तो इस बात को ऐसा तो समझ लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसको अपरिमेय क्यों बोला जाता है, ये बात हम सिद्ध करेंगे यहां पर। कारण सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई अपरिमेय ऐसे ऐसे से काम नहीं चलेगा, जोड़ी बन के बाहर निकल गया, अरे वो इससे काम नहीं चलेगा। तो उसको हमें क्या है, एक प्रमेय के रूप में सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन पूरा सिद्ध करना है कि हाँ भैया ये अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद में जो परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये वाली बात पढ़ना है। कहने का मतलब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा या 9th क्लास में भी देखा होगा कि जो परिमेय संख्या होती है ना, वो क्या होती है, या तो शांत दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है या अशांत रूप के अशांत आवर्ती
दशमलव के रूप में लिखी जाती है। समझ में आई बात? फिर से और एक बार, जितनी भी परिमेय संख्या है ना, उसको अगर दशमलव के रूप में है तो या तो शांत दशमलव के रूप में लिखा जाता है या अशांत आवर्ती के रूप में लिखा जाता है। क्या कैसे लिखेंगे इसमें ज़्यादा डिटेल अभी माथा बच्ची मत करो, कन्फ्यूज मत हो, सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये बात हम पढ़ेंगे चौथी एक्सरसाइज में। कहने का मतलब चार पॉइंट पर हमें पढ़ना है इस चैप्टर में और चार ही प्रश्नावली भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो लगभग हर प्रश्नावली में हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम पहला पॉइंट, पहले पहला पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद में इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे, फिर प्रश्नावली के सारे प्रश्न को हल करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसकी प्रमेय का क्या होती है, प्रमेय क्या होती है वो समझेंगे, फिर उसके उदाहरण देखेंगे, फिर उसकी प्रश्नावली देखेंगे। बस आपको समझते चलना है, समझते चलना है और उसको नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, गारंटेड है सब सारी बातें समझ में आएगी, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आई तो बात को फिर से और एक बार देख लेना वीडियो को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्लियर। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि चार पॉइंट पर हमें डिस्कशन करना है। अब पहली बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, किसकी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। अब ये क्या होता है इस बारे में हम यहाँ पर समझते, पहला पॉइंट देख रहे हैं हम, ठीक है, पहला पॉइंट देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड जो थे वो क्या थे? गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे, ठीक है ना। आपने इसके बारे में डिटेल में नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि कैसे गणितज्ञ थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये सारी चीज़ें। केवल इतना याद रखना है गणितज्ञ की बात की है। विभाजन मतलब भाग देना, भाग देना। और प्रमेयिका का मतलब स्वयं सिद्ध कथन, क्या? स्वयं स्वयं सिद्ध कथन होता है, कथन होता है, है जो अन्य कथन को, अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए, कथन को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सहायक होता है, सहायक होता है। आ गई बात समझ में? अगर आपसे भविष्य में किसी ने पूछा कि प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर है, तो कई बच्चों से मैंने पूछ के भी देखा तो बच्चे बोलते हैं कि प्रमेयिका और प्रमेय नाम तो एक जैसे ही लग रहा है, तो एक ही होगा, है ना, एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। ये इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि दिया है यार, ज्ञात करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मान लेना पड़ेगा कि हाँ ये महान गणितज्ञ ने बोला है और वो बात सही है भैया, इसके आगे हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा अब थोड़ा सा भाग देने वाली बात हो रही है यहाँ पर, भाग देने वाली बात हो रही, तो भाग देना हम फिफ्थ क्लास से समझ चुके हैं ना, फिफ्थ क्लास से ही जानते हैं भाग कैसे दिया जाता है। लेकिन भाग देने में कुछ हम विशेषताएं पाते हैं, क्या विशेषताएं पाते हैं देखना। आप मुझे एक बात बताओ कि आप कई बार भाग दे चुके हैं, कई बार भाग दे चुके हैं, मान लिया जाए कि मुझे चार से चार को विभाजित करना है, तो आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, चार को अगर चार से विभाजित करना है तो चार का चार और बच गया शेषफल शून्य। और मान लिया जाए चार से आपको पाँच को विभाजित करना है तो चार का चार और बच गया एक, बच गया ना एक शेषफल। अब अगर मान लिया जाए छः को अगर चार से विभाजित करना है तो चार का चार और बच गया शेषफल दो। अगर मान लिया जाए चार से सात को विभाजित करना है तो आप बोलेंगे कि चार का चार और बच गया शेषफल तीन। और यदि मान लिया जाए आठ को विभाजित करना है, चार से आठ को विभाजित करता है, चार दूनी आठ और क्या बच गया शेषफल शून्य। सही है, मैंने कुछ संख्याओं को चार से विभाजित करके देखा तो क्या पाया हमने, शेषफल क्या मिला आपके पास? यहाँ पर शून्य मिला, यहाँ पर शेषफल क्या मिला? एक। यहाँ पर शेषफल क्या मिला? दो। यहाँ पर शेषफल क्या मिला? तीन। और यहाँ पर फिर से शून्य मिल गया। और आगे अगर बढ़ा के देखे थोड़ा सा, देखिए
चार को विभाजित किया, फिर पाँच को, छः को, सात को और फिर आठ को, आठ को विभाजित किया। अगर नौ को विभाजित करेंगे तो नौ को चार से विभाजित करेंगे तो चार दूनी आठ और शेषफल एक। दस को विभाजित करेंगे तो चार से विभाजित करेंगे तो चार दूनी आठ और बच गया शेषफल दो। और ग्यारह को विभाजित करेंगे तो चार से तो चार दूनी आठ और शेषफल बच गया तीन। और 12 को विभाजित करेंगे तो अरे करते रहो, कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी चार से विभाजित करो 12 को, तो चार तिया 12 और शेषफल क्या बच गया शून्य। अरे भाई कितना भी करते रहो चार से विभाजित, ऐसी किसी भी संख्या से, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, आपके पास में जो शेषफल बच रहा ना शून्य एक दो तीन फिर शून्य एक दो तीन फिर शून्य एक दो तीन, अरे जब चार से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल इसकी अपेक्षा कम मिल रहा, देखिए या तो शून्य मिल रहा भाई, चार से विभाजित कर रहे तो शून्य मिल रहा या चार से कम मिल रहा, देखिए चार की अपेक्षा शेषफल क्या मिल रहा कम मिल रहा, या तो शून्य मिल रहा शेषफल या चार की अपेक्षा शेषफल क्या हो रहा हमेशा कम ही मिल रहा, शेषफल क्या मिल रहा इसकी अपेक्षा कम ही मिल रहा या तो फिर शून्य मिल रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी संख्या से विभाजित करते हैं अन्य संख्या को तो हमेशा जो शेषफल मिलता है वो क्या मिलेगा शून्य मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा, किससे शून्य से बड़ा, और जिस संख्या से विभाजित कर रहे उससे छोटा ही रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा दूसरी बात, पूर्णांक के रूप में ही दशमलव मिल रहा है, किस रूप में पूर्णांक के रूप में, मतलब पूरी पूरी संख्या मिलेगी, ऐसा नहीं कि दशमलव आपके पास में एक दशमलव तीन पाँच बच गया, ऐसा बचेगा क्या, नहीं बचेगा, जो संख्या बच रही है शेषफल बच रहा हो क्या मिलेगा पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है धनात्मक पूर्णांक। ठीक अच्छा जितने बार भाग जा रहा वहाँ पर भी आपके पास में धनात्मक पूर्णांक, ये चार जितने भी बार भाग जा रहा वो भी पूर्णांक ही मिल रहा, देखिए पूर्णांक ही मिल रहा आपके पास, ठीक है ना। ओवरऑल आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में दो संख्या है, कौन सी ए और बी है, जैसे मेरे पास में चार और पाँच था या चार और छः था चार और सात था, ऐसी दो संख्या है, और यदि मान लिया जाए ए को अगर मान लिया जाए बी से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए बी से विभाजित किया जाए, तो क्या होगा शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा क्या, हाँ बचेगा ना कुछ ना कुछ शेषफल, जैसे यहाँ पर बच रहा ना शून्य एक दो तीन चार, ऐसा कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा ना, बस यही पर कॉन्सेप्ट छुपा है पूरा टॉपिक का, ये टॉपिक ये वाली बात समझ में आ गई तो चैप्टर फिर चुटकियों का काम है, अरे समझने वाला कुछ है ही नहीं इसमें काम, सिर्फ हमने अभी तक ये देखा कि भैया जिस संख्या से विभाजित करते उसकी अपेक्षा यहाँ पर शेषफल शून्य बचता है या इससे छोटा बचता है, देखिए चार की अपेक्षा छोटा ही है सभी जगह, है ना सभी जगह क्या है चार से छोटा ही है, तो ऐसा। अब देखिए जो शेषफल बचेगा ना वो क्या बचेगा, या तो शून्य हो सकता है, हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है शेषफल का मान, शून्य हो सकता है यानी कि बराबर भी लिख देता हूँ, या शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं उसकी अपेक्षा हमेशा छोटा ही होगा। कोई समस्या है क्या, है क्या समस्या? अरे भाई देख रहे हैं हम कि इसकी या तो यहाँ पर शून्य आता है या चार की अपेक्षा कम ही आता है हमेशा, देखिए ना जिससे हम विभाजित कर रहे हैं उसकी अपेक्षा कम ही आता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ए को एक संख्या धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाए तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो शेषफल या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, देखिए ना बड़े बड़ा मुंह ही नहीं इधर, शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन जिससे आप विभाजित कर रहे हैं बी से विभाजित कर रहे तो इसकी अपेक्षा छोटा होगा। क्लियर, बात क्लियर है? अब देखिए मुझे एक बात बताओ कि इस बात को अगर आपको एक लाइन में अगर लिखना है तो कैसा लिख सकते, अगर नहीं मालूम तो देख लेना, इस बात को अगर एक लाइन में अगर मुझे लिखना है तो कैसा लिखेंगे, जिसमें आप विभाजित करते हैं ना,
किसको विभाजित करते हैं, चार को विभाजित किया है बराबरी से, इसका और इसका गुना कर दो, चार गुणित एक, और जो भी बच गया उसको जोड़ दो। तो यही बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना फिर से इस बात को कैसा लिखा जा सकता, देखना, पांच बराबर से जिसको विभाजित कर रहे हैं उसके बराबर से, इसका और इसका गुना कर दो, चार गुणित एक और धन जितना भी बच गया वो, इसकी गणना करोगे तो इतना ही आएगा। देखना चार का चार और शून्य चार, देखिए चार आ गया, चार का चार और एक पांच आ गया, पांच। इसी बात को कैसा लिख सकते हैं आप, छह बराबर से चार गुणित एक, चार गुणित एक धन दो, क्या हो जाएगा, चार और दो छह, छह हो गया। यहां पर देखिए ना, इसको कैसा लिख सकते हैं, सात बराबर से, सेवन बराबर से जिसमें विभाजित करते उसके बराबर से, चार गुणित एक, चार गुणित एक धन तीन, ऐसा। इसको कैसा लिख सकते हैं, आठ बराबर से, आप तो समझ ही गए होंगे सभी लोग, चार गुणित शून्य, चार गुणित शून्य धन शून्य, अरे चार गुणित, अरे चार दूनी आठ, ये गलत लिख दिया था मैंने, चार दूनी आठ, तो चार दूनी आठ और ऐसा, देखिए ना, चार दूनी आठ और शून्य को जोड़ दिया जाए तो आठ हो गया। क्लियर बात हो गई? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जब इतना इतना आप नोट कर लो पहले तो, है ना, इतनी बात आप नोट कर लो, कौन सी, यहां से ये वाली उदाहरण, उदाहरण एक दो तीन चार पांच, ऐसे उदाहरण आप इतना नोट कर लो पहले, ठीक है, नोट हो गया। अब आगे देखना, अब आगे देखना, मुझे एक बात बता दो कि इस बात को कैसे लिखा जा सकता है, इस बात को कैसे लिखा जा सकता है, भाई ए को बी से विभाजित करेंगे आप तो कुछ ना कुछ तो आएगा यहां पर, तो मान लिया जाए क्यू बार विभाजित हुआ, तो इस बात को कैसा लिखेंगे आप, ए बराबर से, ए बराबर से बी गुणित क्यू, बी गुणित क्यू दोनों का गुना, और जो नीचे रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, बस यही तो, यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो आप बोलेंगे कि ये तो हमने फिफ्थ क्लास में किया, आप क्यों कर पढ़ रहे हैं, हम इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है, ठीक है, जो काम अभी तक नहीं किया वो वाला काम होने वाला है इससे। क्या, कौन सा काम होने वाला है, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में दो संख्या ए और बी, कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, कैसी है, धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना इधर, धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही साथ में ए का मान बी की अपेक्षा, ए का मान जो है वो बी की अपेक्षा बड़ा या बराबर है, बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, अरे भाई जिसको विभाजित कर रहे हैं, जिससे विभाजित कर रहे हैं उसकी अपेक्षा बड़ा है, सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि इसको भाग देना है ना इससे, तो जिसमें भाग देना है वो बड़ा या बराबर है इसकी अपेक्षा, ठीक है, छोटा नहीं है, हाँ क्लियर है, दो संख्या है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर आप कभी संख्या की बात कर रहे थे, कभी ए भी लिख देते, मैंने क्या बोला कि ए और बी के जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक है आपके पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐसे अनंत तक कोई भी हो सकती है, जहां पर ए का मान क्या है, बी से बड़ा या बराबर है, तब 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 बी को ए से विभाजित किया जाए, क्या किया जाए, विभाजित करने पर, करने पर आपको क्यू प्राप्त होता है, क्यू भागफल, भागफल क्या प्राप्त होता है, क्यू तथा शेषफल, शेषफल आर प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, वो भी होता है लेकिन अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, प्राप्त होता है, तब इस बात को क्या लिखा जा सकता, ए बराबर से बी क्यू धन आर लिख सकते हैं। फिर से और एक बार समझेंगे, टेंशन मत लेना, जहां जो शेषफल है ना आर, उसका मान शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा और बी या बी से छोटा होगा,
बस यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हमने 5वीं क्लास में किया था वो ये है। ठीक, अब ये वाली जो है ना प्रमेय का, अभी नोट मत करना, अभी नोट मत करना, ये जो प्रमेय का है ना, इसके द्वारा एच सी एफ ज्ञात किया जाए। एच सी एफ ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एच सी एफ क्या होता है? एच सी एफ महत्तम समापवर्तक, महत्तम महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एच सी एफ, एच डॉट सी डॉट एफ, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बोला जाता है। इसकी मदद से किया जाता है इसको ज्ञात। कैसे किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है? हैं, तो वो बातें हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर? कैसे ज्ञात किया जाता है? अभी तक तो नहीं किया हमने, भाग विधि से कहा किया हमने, कभी महत्तम समापवर्तक ज्ञात नहीं किया। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कैसे करना है, तो उसकी प्रोसेस हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है ना, अभी नोट नहीं करना है, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखना, सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही कि भाई हमारे पास में दो संख्या है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में 7 है और इसको मैं 4 से विभाजित करता हूँ, ठीक है, तो 4 का 4 और कितना बच गया? 3 बच गया यहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है? इसका शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल, ये याद रखना है आपको। ठीक, इंग्लिश में बोला जाता है इसको रिमाइंडर, रिमाइंडर। और यही कारण है, रिमाइंडर बोलने के कारण ही इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? जितना बच गया उसको शेषफल बोला जाता है। जो भाजक है, भाजक ये क्या है? भाजक है, जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है ना भाई, उसी को भाजक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? भाजक, भाजक। और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाज्य। इसको क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। और जितने बार भाग चला जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? भागफल, भागफल। ये सारी बातें आपको पहले से मालूम है ना, लेकिन ठीक है, और एक बार लिख देते हम। अच्छा, इंग्लिश में भी इसके नाम है। इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको भाजक को क्या बोला जाता है? डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। किसको? भाज्य को। और जो भागफल है उसको बोला जाता है कोशेंट। क्या बोला जाता है? कोशेंट, कोशेंट। और कोशेंट बोलने के कारण इसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक, सामान्यतः इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है और इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ए से प्रदर्शित किया जाता है और इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये वाला तो ठीक है, भागफल है तो क्यू, कोशेंट बोला जाता है इसलिए क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये शेषफल है इसलिए आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर के कारण आर से। डिवाइजर को, डिविडेंड को ए और बी से क्यों? इसको तो डी से प्रदर्शित करना चाहिए ना, लेकिन ए भी डी है और ये भी डी है, तो फिर किसको डी से प्रदर्शित कर रहे हैं? इसलिए भैया दोनों को नहीं कर रहे हम, इसको ए से बोल देते, इसको बी से। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि आपको क्या करना है, किसी संख्या से भाग देना है। किससे भाग देना है? कोई भाजक है, ये क्या है? भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसको क्या बोला जाएगा? डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है, किससे? बी से। जिसको विभाजित किया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य, भाज्य। और इसको डिविडेंड, डिविडेंड। और इसको प्रदर्शित किया जाता किससे? ए से। और जितने बार भाग गया, भागफल, भागफल। और इसको बोला जाता कोशेंट, कोशेंट, कोशेंट। ठीक है, और कोशेंट को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, छोटे क्यू से। और जो यहां पर बच जाता है वो क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ठीक,
और शेषफल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोला जाता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ए बराबर से क्या हो जाएगा, ए बराबर से क्या हो जाएगा, बी गुणित क्यू, बी गुणित क्यू और धन आर, जो भी शेषफल बच जाएगा वो हो जाता है। इसको हल करेंगे तो हमेशा इसके बराबर आता है, क्लियर। जहां जहां क्या होता है, ए का मान और बी का मान क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, जो आर होता है, आर का मान वो शून्य हो सकता है, जो शेषफल जो बचता है, क्या बचता है, अभी भाग देके देखे ना हमने कई बार, तो शून्य आ सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा जिससे विभाजित कर रहे हैं उसकी अपेक्षा छोटा ही होगा, तथा ऐसा। अब क्लियर हो गई बात, स्पष्ट है, बस इतनी सी बात याद रखना है तो आपका पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ पर, मतलब पहले टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये वाली बातें नोट कर लो, ये वाली तो अभी रहने दो, केवल ये वाली बात नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर उसके नीचे इसको नोट कर लो, इसको नोट करो और उसके नीचे फिर इसको नोट करो, पहला ये, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये वाली बात, ठीक है, एक के नीचे एक नोट करो आप इसको। अब देखिए, अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है, जो अभी तक बोला वही की वही यूक्लिड प्रमेय, विभाजन प्रमेय का है। बच्चे बड़े रटते हैं बिल्कुल एकदम, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, तो बच्चे उसको रट रट के परेशान रहते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, क्यों भूलते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम ना दिमाग में। कितना आसान है कि भैया ए को बी से अगर विभाजित किया जाए तो क्यू बार विभाजित हो रहा और शेषफल आर हो गया, तो ए बराबर से क्या हो गया, बी का क्यू का गुणा करेंगे और ये क्या हो जाएगा, आर के योगफल के बराबर होता है। आर का मान जो है वो शून्य या शून्य से बड़ा हो सकता है या जो जिससे विभाजित कर रहे हैं उससे छोटा ही होता है, हमेशा हमने तो कई बार देख लिया अभी इससे पहले, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है, इसी को शब्दों में लिखना है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दिया है ना भैया, ए और बी दिया है अपने को, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। भाई ए को अगर बी से विभाजित किया जाए तो क्यू क्या होती है, क्यू और आर आपको प्राप्त होती है, कैसी, धनात्मक पूर्णांक के रूप में। अरे कभी आप भाग देते हैं तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपने भाग दिया और आपको दशमलव में नहीं चाहिए तो आपको पूर्णांक ही तो प्राप्त होगा और शेषफल भी पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। हाँ, तब ए बराबर से बी गुणित क्यू धन आर, जहाँ पर आर का मान जो होता है, जो शेषफल का मान होता है, वो शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है और जिससे भाग दे रहे उसकी अपेक्षा छोटा होता है, बस इतनी सी बात लिखना है, ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर लिखना है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद हो गई क्या, रटी नहीं, समझना, आप लिख सकते, कोई जरूर नहीं कि आप एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखे। माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तथा ए को बी से विभाजित करने पर आपके पास भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिखो यही बात, अपनी भाषा में लिखो, ये प्राप्त होता है तब ए बराबर से बी क्यू प्लस आर और ए बराबर से ऐसा, ऐसा लिख लो या अपनी भाषा में लिख लो, ठीक है, ये हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्लियर है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको बोला कि ये बात सिद्ध करो भाई, तो बोले हमने, हमें नहीं करना है ना, हमें नहीं करना है, हमारे गणितज्ञ थे यूक्लिड जी ने, उनने बोला है और उन पर हम विश्वास कर रहे हैं, बस सीधी बात ये है ना। तो क्यों, क्योंकि प्रमेय का को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कि सी और डी है। अब मजेदार बात है, इससे पहले क्या पढ़ा मैंने, देखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब पढ़ रहे, पहले पढ़ा हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का,
और अब पढ़ रहे हैं हम यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, दो बातें अलग अलग है, ये और ये नाम थोड़ा सा एक जैसा जरूर है लेकिन अलग अलग बातें हैं। क्या है अलग अलग, क्या बातें हैं? नाम तो एक जैसा ही है, नाम तो एक जैसा है। यूक्लिड विभाजन यहाँ पर भी लिखा है, यूक्लिड विभाजन यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ पर प्रमेय का है और यहाँ पर एल्गोरिथम है। प्रमेय का क्या होता है? तो स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध कथन होता है, स्वयं सिद्ध कथन होता है, सही है ना। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम है एक विधि, चरणबद्ध विधि, चरणबद्ध तरीका। एल्गोरिथम किसको बोला जाता है? एल्गोरिथम किसको बोला जाता है? तरीके को, कि भाई उसका तरीका क्या रहेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब एक मैं तरीका बताता हूँ आपको कि चाय बनाने की विधि बताइए मुझे, चाय बनाने की एल्गोरिथम बताइए। क्या बताएंगे आप? चाय बनाने की एल्गोरिथम क्या बताएंगे? बस उसमें चाय लगती है, पानी, चाय पत्ती लगती है, पानी लगता है, शक्कर लगता है, दूध लगता है और उसको घोल के और पी लेते हैं, गर्म करके और पी लिया जाता है। इतना बताने के बाद में कोई चाय बना सकता है क्या? अगर किसी को चाय बनाते नहीं आती है तो आपने अगर बोल दिया कि चाय ची पत्ती की ज़रूरत रहती है, उसमें शक्कर की ज़रूरत रहती है, दूध की ज़रूरत रहती है और गैस की भी ज़रूरत रहती है, उसको गर्म भी करना पड़ता है और फिर पी जाते हैं उसको, नहीं, इतनी बातें बताने के बाद में वो चाय नहीं बना सकता। उसको बताना पड़ेगा कि पहले गैस चालू करो, गैस चालू करने के बाद में या चूल्हा जलाओ, जो भी जिस पर भी बनाना है आपको, उस पर चूल्हे पर क्या रखो, भगोना रखो और उसमें पानी डालो, जितनी चाय बनाना है आपको, जितने कप चाय बनाना है उससे थोड़ी बहुत कम डाल दो, जितना दूध डालना है उसको मिला के, ऐसा जो भी है ना। फिर बताना पड़ेगा कि भैया उसमें चाय पत्ती उबालो और उसका जब तक कलर ऐसा हो जाए, चाय पत्ती भी कितनी डालना है, एक कप के लिए इतनी चाय पत्ती डालना है और उसको उबालो और इतने देर तक उबालते रहो और जब उबल जाए फिर उसके बाद में शक्कर भी डाल दो, एक कप के लिए कितनी शक्कर डालना है तो इतनी शक्कर डालना है, उसका कारण बताना पड़ेगा कि इतनी इतनी ही शक्कर डालना है आपको, और फिर और गर्म करो, उबालते रहो उसको, उबालते रहो, शक्कर घुल जाए और फिर थोड़ी देर बाद क्या करो, उसमें दूध भी डाल दो और उसको भी गर्म होने दो और फिर जब उबल जाए और अच्छे से सब मिक्स हो जाए तो उसको छलनी से छान लो कप में और आपकी चाय यहाँ पर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ चरण बताएगी ना, पूरा पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया। तो इस पढ़ेंगे चाय बनाने की एल्गोरिथम, चाय बनाने की एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इसको बोला जाता है एल्गोरिथम। समझ में आई बात? तो सेम इसी प्रकार से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी ना, तो उस प्रमेय का के लिए कुछ एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम के द्वारा क्या किया, क्या ज्ञात किया जाता है, एच सी एफ ज्ञात करने की, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा एच सी एफ ज्ञात करने के लिए ये क्या है, एक एल्गोरिथम है। बात क्लियर है, आ गई बात समझ में? एल्गोरिथम नया शब्द आया है, तो नया शब्द का मतलब भैया ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, चाय अलग है, चाय बनाना अलग बात है लेकिन चाय बनाने की एल्गोरिथम अलग है। तो ये चाय बनाने की विधि हो गई, ये क्या हो गई, इसकी एल्गोरिथम हो गई, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना, चलिए आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ये स्वयं सिद्ध कथन है और एल्गोरिथम का मतलब ये है कि एक चरणबद्ध, देखिए चरणबद्ध क्या है, चरणबद्ध विधि है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लो कि यूक्लिड तो गणितज्ञ का नाम है, विभाजन तो विभाजित हो गया, प्रमेयिका का मतलब ये हो गया, एल्गोरिथम का मतलब ये हो गया, तो दोनों में ये अंतर है। कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रमेयिका में और एल्गोरिथम में क्या अंतर है,
तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रमेय का क्या स्वयं सिद्ध कथन होता है, इसको अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और एल्गोरिथम क्या होता है तो चरणबद्ध विधि होती है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो सारी बातें तो हमने पहले से ही पढ़ी है, कोई नया यहाँ पर अभी तक नया चीज नई चीज़ हमें मिली नहीं है। कहाँ मिली? अरे भाग देना तो आप कब से सीखे हो, और आपको ये भी मालूम है कि भाज्य बराबर से क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेष फल, ये बात पहले से मालूम थी, है ना। चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए, हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है, कौन है? सी और डी। देखना, ध्यान देना इधर, सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक है। चलिए ठीक है, और दोनों का क्या करना है, हमें एच सी एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एच सी एफ, एच सी एफ महत्तम समापवर्ती। ठीक है, महत्तम समापवर्ती, लघुत्तम अलग है, ये क्या है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे कि लघुत्तम में और महत्तम समापवर्ती में क्या अंतर है। ये सारी बातें छठवीं सातवीं में पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी और एक बार थोड़ा सा समझ ले, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, ओके। लेकिन इसके ये दो धनात्मक पूर्णांक की भी विशेषता है कि सी क्या है, डी से बड़ा है। एच सी एफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। चलिए ठीक है, पहला चरण जो चाय बनाने की जैसी विधि थी ना, पहली स्टेप, वैसी यहाँ पर स्टेप है। देखना, सी और डी धनात्मक पूर्णांक है, सी का मान डी की अपेक्षा बड़ा है, तो आप क्या करिए, सी को जो बड़ा रहेगा उसको डी से विभाजित कर दीजिए। यही तो करते, जो बड़ा रहेगा उसी को तो विभाजित करेंगे छोटे से। हाँ, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। कैसे करेंगे भाई? इसके लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर बचेगा। आई बात समझ में? तो आप इसको, इस बात को कैसा लिख सकते, कैसा लिख सकते, सी बराबर से डी गुणित क्यू और धन आर, लिख सकते कि नहीं ऐसा? तो यही तो बात लिखी। अच्छा, आर का मान जो होगा वो शून्य या शून्य से बड़ा होगा और डी से छोटा होगा, वही पहले से जो बात की थी हमने। देखिए, सी बराबर से डी क्यू प्लस आर, और आर का मान शून्य से बड़ा या बराबर और डी का मान, ऐसा क्लियर हो गई बात? अच्छा, ऐसा करना है आपको, पहले पहले पहला काम। फिर दूसरा काम, आपने क्या किया था, सी को डी से विभाजित किया था, यहाँ पर क्यू आ गया था, और यहाँ पर शेषफल क्या बच गया था, आर बच गया था। तो आपने क्या लिखा था इसको, सी बराबर से डी क्यू प्लस आर, ऐसा लिखा था। यदि आर बराबर से जीरो है तो डी पूर्णांक को सी और डी का एच सी एफ होगा। यदि मान लिया जाए कि ये जो शेषफल है ना, इसका मान अगर शून्य हो जाएगा, शेषफल अगर शून्य बचता है, तो ये दोनों का जो एच सी एफ होगा ना, वो क्या होगा, ये वाला होगा। ये बात को याद रखना, जब r का मान शून्य हो जाता है, जब शेषफल शून्य हो जाता है, ऐसा समझिए, मान लिया जाए कि 8 को हमने 4 से विभाजित किया, तो 4 दुनी 8, तो कितना बच गया शेषफल, शून्य। अगर शेषफल शून्य बचता है तो 4 और 8 का जो महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि एच सी एफ होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। बस इतनी बात है, दोनों का एच सी एफ ज्ञात हो गया। और यदि मान लिया जाए, यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर 4 दुनी 8 और यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं बचता है, अगर शून्य बचता है तो यही पर काम खत्म हो गया आपका, और शून्य नहीं बचता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि r का मान शून्य नहीं है, मतलब ये ऐसा कुछ है, एक है, दो है, तीन है, जो भी है, तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अभी किसके किसके बीच में किया था मैंने, सी और डी के बीच किया था ना, अब यही काम डी और आर के बीच में करना है। जरूरी नहीं है कि अभी एक झटके में आप ये सारी बातें समझ लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कोई माथा बच्ची है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। लेकिन अभी सी डी ए बी इसमें उलझ गए ना, आर क्यू ए इसमें उलझ गए, ठीक है, उलझने वाला काम ही नहीं है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में बड़े आसानी से आप बना पाएंगे इसको। ठीक, किसके बीच में, डी और आर के बीच में
फिर से आपको यूक्लिड प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम लगाना है। चलिए आगे देखते हैं हम। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक वांछित एचसीएफ होगा। अभी ये बातें खूब समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी देखना, मैं बताऊंगा तो सब समझ में आएगा। तो इस बात को और एक बार समझ रहा हूँ मैं, देखना। एक उदाहरण के द्वारा मान लिया जाए कि आपके पास में 72 है, 72 है, सपोज करें कि मेरे पास में 15 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, मेरे पास में सिंपल तरीके से समझना, मेरे पास में दो संख्या है 15 और 72। कौन कौन? 15 और 72, दो संख्या। मुझे इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एच सी एफ ज्ञात करना है। अभी नोट मत करना, पहले इस बात को समझ लो, यहाँ से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी आपकी। इसमें बड़ा कौन है? ये वाला। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करना है, और हमेशा करना है। ठीक, चलिए 15 चौक 60 कितना बच गया? 2 और 1 12 बज गया। कितना बच गया? 12। ये पहली स्टेप तो कर ली हमने, बस इतनी सी बात बोली है पहली स्टेप में। फिर दूसरी स्टेप में क्या बोला, दूसरे चरण में क्या बोला है? दूसरे चरण में बोला है कि अगर ये जो शेषफल बचा है ना, अगर शून्य रहता है तो इसका और इसका जो महत्तम समापवर्तक है, यानी कि एस सी एफ है, वो कितना होगा? 15 होगा। कब? जब यहाँ शून्य बचता है। बचा क्या? शून्य नहीं, शून्य नहीं बचा ना। देखिए यही बोला, यदि आर शून्य है तो डी पूर्णांक को सी और डी का एस सी एफ है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, इसका और इसका एस सी एफ होगा अगर यहाँ शून्य बचेगा तो। बचा क्या? नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम? जो शेषफल बच गया वो, और जिससे आपने भाग दिया था वो कौन? 15। इसके बीच में फिर से यूक्लिड प्रमेय का लगाना है। आपको ये देखना है कि किसमें शेषफल में और जिससे भाग दे रहे वो दोनों में। देखिए ये बड़ा है, इसका मतलब 15 को 12 से विभाजित करेंगे। यही के यही कर दो, यहाँ पर 15 लिख दो, जो भाग जिससे भाग दिया ना उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखना, 12 का 12 और बच गया कितना? 3। अब मुझे एक बात बताइए कि शेषफल शून्य है क्या? ये वाला है चरण कौन सा? ये वाला दूसरा। ठीक है ना, क्या बोला है कि अगर ऐसा शून्य नहीं है तो डी और आर के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, मतलब इसके और इसके बीच में करना है। कर दिया ना 12 और 15 में। अब 12 से फिर से विभाजित करेंगे तो कितना बच गया? 3। मुझे एक बात बताइए कि शेषफल शून्य है क्या? शून्य है क्या शेषफल? तो आप बोलेंगे कि नहीं। अगर यहाँ शून्य हो जाता तो आपका एस सी एफ ये वाला होता, अंतिम भाजक। ठीक है, अंतिम भाजक ये एस सी एफ होता, लेकिन नहीं हुआ, शेषफल शून्य नहीं हुआ। तो फिर इसके और इसके बीच में यूक्लिड लगाएंगे। किसमें? किसमें? 12 में और 3 में। देखिए 12 बड़ा है 3 से, तो 3 के द्वारा इसको विभाजित करेंगे, अंतिम भाजक। पहले क्या हुआ था? यहाँ शेषफल इतना बचा था, ये भागफल था, भाजक था, तो इसको इससे विभाजित करना है। फिर शेषफल इतना बच गया तो इससे इसको विभाजित करना है। 3 चौक 12, शेषफल शून्य बच गया क्या? हाँ बच गया ना, शेषफल क्या बच गया? शून्य बच गया। तो फिर एस सी एफ क्या होगा? ये वाला होगा, अंतिम वाला भाजक, जिससे आपने आखिरी बार भाग दिया ना वाला भाजक होगा। यानी कि 15 का और 72 का जो एस सी एफ है वो कौन होगा? 3 होगा। अभी थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, तो कोई बात नहीं है, आप इसको अभी हटाओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और पहले आप इस बात को नोट कर लो, और खूब समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, काम बड़ा आसान है। ये ए बी सी डी के रूप में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा टफ जा रहा है। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसी बात को समझेंगे, तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हम।
हाँ अब उदाहरण आ गया आपके पास, ठीक है। क्या बोला है? 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसका किसका करना है भैया? 4052 में और 12576 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। कितना सिंपल, देखना दो संख्या है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप बोलेंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि ये 4 ही अंक की है, 5 अंक की, यानी कि ये बड़ी होगी। तब के बीच यूक्लिड यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर कोई भी प्रश्न दिया है, अगर ऐसा बोला जाता है तो क्या करना है आपको? दोनों संख्याओं को लिख देना है, और कौन सी संख्या बड़ी है ये देखना है। जो बड़ी रहेगी उसको छोटी संख्या से विभाजित करना है। कौन है बड़ी? 12576 ये बड़ी है, इसको विभाजित करना है किससे? 4052। देखिए, इससे इसको विभाजित करेंगे तो 4 3 12, मतलब 3 बार विभाजित हो रहा है, 4 0 5 2 गुणित 4, तो 4 2 8, 5 20 का 0 20 और 4 4 16, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार विभाजित करना है ना, 4 3 12, ये गड़बड़ कर दिया ना, 4 3 12, 3 बार विभाजित हो रहा है, तो 3 2 6, 5 3 15 और 4 3 12, 12156 बार, 12156 बार होगा। माइनस कर देता हूँ मैं, ये 0 बज गया, ये 2 बज गया, ये 4 बज गया, बस 420 बज गया आपके पास। मुझे एक बात बताइए कि शेषफल 0 बचा क्या? आप बोलेंगे कि नहीं बचा, तो फिर यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ठीक है, बात खत्म नहीं हुई। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया, तो इतना शेषफल बचा। शेषफल 0 है क्या? तो नहीं है, तो फिर क्या करो, इस शेषफल के द्वारा यहीं पर लगा दो ऐसा भाग, और इसको लिख दो यहाँ पर कितना? 4052। ठीक है, 4052, 420 से हम इसको विभाजित करते हैं। 420 से विभाजित करेंगे तो 9 बार जाएगा मेरे ख्याल से, 9 बार, 420 गुणित 9, तो 0 9 2 18 के 8 हासिल आया 1, और 9 4 36 और 37, ठीक है, 3780। कितने बार? 9 बार विभाजित हुआ, 3700 कितना? 80। अब घटाओ तो यहाँ पर बच गया 2, यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 2, बस 272 बच गया। 0 के बराबर बचा क्या? नहीं, तो यहीं पर भाग का चिन्ह लगाओ और अंतिम भाजक जो है 420 इससे विभाजित कर दो। 2 2 4 तो ज़्यादा बार हो जाएगा, इसलिए क्या करो, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये इधर, ताकि मैं उधर लिख सकूँ। अब देखना, शेषफल 0 बचा था क्या? नहीं, तो जो जिससे आखिरी बार भाग दिया था उसको इससे विभाजित करो, तो 272 का एक बार विभाजित होगा तो 272। अब मुझे एक बात बताइए कि 8 बज गया यहाँ पर, 8 बज गया और यहाँ पर बज गया 8 और ये 4 है ना, और 148 148 बज गया। 0 बचा क्या? नहीं, तो फिर और 148 को, 272 को 148 से विभाजित करो। ठीक, अब देखिए 148 एक बार विभाजित होगा 148, तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 और ये 5 5 और ये कितना हो गया? 2 2 और 124। अब 124 को 148 से विभाजित करो, हैं, ये फिर अपने को खिसकाना पड़ेगा, जगह की ज़रूरत पड़ रही है हमें ज़्यादा, है ना। कितने बार विभाजित हुआ 124 का 124 बार विभाजित हो गया, तो यहाँ पर बच गया 4 और यहाँ बच गया 2, 24 बच गया, घटाया तो
फिर भी शेषफल शून्य नहीं बचा। फिर 24 से पुनः 124 को विभाजित करो, इसको विभाजित करो इससे, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 है ना, 24 तो ये हो जाएगा कितने बार विभाजित होगा भाई, 5 बार विभाजित होगा, 24 गुणित 5 तो अगर 5 किया जाए तो 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बार विभाजित हो रहा, कितना हो गया 120, कितना बच गया 4। फिर 4 से 24 को विभाजित करो तो 4 5 4 6 24, अब शेषफल शून्य बचा आपके पास। आई बात समझ में? अब शेषफल क्या बचा, आखिरी में शून्य बचा, तो जो अंतिम बार जिससे विभाजित किया ना वो एचसीएफ होगा, अंतिम बार जिससे विभाजित किया वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। नहीं आई क्या बात समझ में? और एक बार समझ लो, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है ये बात। अच्छा मज़ेदार बात आपको बता दूं कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? देखना फिर से, समझना ही है ये मान के चलो आप, तो ठीक, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया और आपके सामने ही विभाजित किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 बार विभाजित हो गया 12,156। आ गई बात समझ में? और शेषफल बच गया भैया 420, क्लियर? अब यहाँ पर शून्य बचा क्या? नहीं, अगर शून्य बचता तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता। आप बोलते कि इसका और इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 4052 होगा, लेकिन शून्य हुआ क्या शेषफल? नहीं हुआ, तो यहीं पर ऐसा लगा दो और इस संख्या को यहाँ पर लिखो 4052, जैसा विभाजित करते वैसे विभाजित करो, ठीक। और विभाजित करने के बाद में आपने देखा कि भैया ये 3780 आ गया था यहाँ पर, और ये कितने बार, 9 बार विभाजित हो गया, और इसको घटाएंगे तो कितना बच गया आपके पास में, 272 बच गया। आगे बात समझ में? शेषफल शून्य बचा क्या? नहीं, अगर शेषफल शून्य होता तो ये एचसीएफ हो जाता, आखिरी बार जिससे विभाजित किया वो। फिर इससे विभाजित करो इसको 420 को, और 420 को विभाजित किया तो 272 आ गया और बच गया 148। शेषफल शून्य बचा क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं, अच्छा नहीं बचा, तो फिर से इससे विभाजित करो किसको, अंतिम बार जिससे भाग दिया था उसको, 272 है, आसान, थोड़ा सा लंबा है बस, इससे फिर विभाजित करो तो एक बार 148 बार, और कितना बच गया था 124। शेषफल शून्य है क्या? नहीं, अगर शून्य होता तो यही पर खत्म हो जाता और बोलते एचसीएफ फ्री है, ये वाला एचसीएफ होता, अंतिम बार जिससे विभाजित किया वो एचसीएफ। अच्छा नहीं हुआ शून्य, तो ये फिर से कर दो 148 को इससे विभाजित कर दो, तो 124 तो एक बार विभाजित होगा 124 और यहाँ पर बच गया 24। शून्य आया क्या? नहीं, शून्य आता तो ये वाला एचसीएफ होता, नहीं आया शून्य, तो फिर से इससे विभाजित करो इसको 124 को, ठीक। 24 से कितने बार, 5 बार 120, और फिर बच गया 4, शून्य आया क्या? नहीं, फिर इससे विभाजित करो किसको, अंतिम वाले को 24 को, और 24 से विभाजित करेंगे तो 4 6 24, ये आ गया 24, और शेषफल क्या हो गया, शून्य, बस हो गया काम। जब शेषफल शून्य तभी आपका क्वेश्चन खत्म होगा, जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, और हमेशा शून्य आएगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? ये तो वही वाली बात मैंने लिखी है यहाँ पर, यही वाली बात लिखी है, क्लियर? तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, करने पर हम यहाँ पर बोलेंगे, करने पर इसका उपयोग किया तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम, इस बात को देखना जरा, इस बात को कैसा लिख सकते, इस संख्या को इससे विभाजित किया तो इतने बार गया और इतना शेषफल बच गया, तो इसको हम लिख सकते 12576 बराबर से 4052 गुणित 3 धन 420। यहाँ पर शून्य बचा क्या? नहीं बचा क्या? नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में फिर से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि शेषफल शेषफल शून्य नहीं है, तब किसके किसके बीच में, इसके और इसके, 4052 तथा 420 के बीच यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? फिर शेषफल शून्य बचा क्या, आप बोलेंगे कि नहीं। जब इसके और इसके बीच में प्रयोग किया हमने तो क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 4052 बराबर से क्या हो जाएगा, 420 गुणित 9, और शेषफल कितना बच गया, 272। 420 गुणित 9 और शेषफल बच गया कितना, 272। 272 का मान शून्य है क्या, नहीं, शेषफल नहीं है शून्य के बराबर, तब ये शेषफल शून्य नहीं है। कहा गया भाई शेषफल ये वाला शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है तो इसके और इसके बीच में फिर से यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे, है ना, तब 420 बड़ा है 272 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोनों के बीच में लगा रहा हूँ मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या हो जाएगा, 420 बराबर से, 420 बराबर से 272 गुणित 1, 272 गुणित 1 धन 148, 148 फिर शेषफल बच गया। अब हम बोलेंगे कि शेषफल बराबर से शून्य नहीं है, शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, शून्य शेषफल नहीं है, तो फिर इसको कैसा लिख सकते हैं हम, जब शून्य नहीं है तो ये दोनों के बीच में लगाएंगे, तब 272 बड़ा है 148 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कैसा लिखा जा सकता है, 272 बराबर से, 272 बराबर से कितना हो जाएगा, 148 गुणित 1, 148 गुणित 1 धन 124। यहाँ पर भी शेषफल शून्य है क्या, नहीं, शेषफल बराबर से नहीं है शून्य, तब अभी भी शेषफल शून्य नहीं बचा, किसके किसके बीच में लगाया था, 148 और 272 के बीच में, अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे, 124 और 148 के बीच में लगाएंगे। ठीक है, 148 बड़ा है 124 के बीच यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। चलिए करते हैं हम इसमें प्रयोग, देखना इसमें इसमें प्योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 148 बराबर से 124 गुणित 1, 148 बराबर से 124 गुणित 1 धन कितना शेषफल बच गया, 24। तो फिर हम बोलेंगे भैया कि 24 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि शेषफल शेषफल क्या है, नहीं है शून्य के बराबर, नहीं है शून्य के बराबर, 24 बच गया ना, तब हम 24 124 और 24 के बीच में एल्गोरिथम लगाएंगे, 124 बड़ा है 24 से के बीच यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ठीक, चलिए ठीक है कर देते हैं हम, 124 और इसके बीच में कर लेते हैं, कैसा लिखा जा सकता है इसको, इसका और इसका गुना धन 4, 124 बराबर से 24 गुणित 5 धन 4। अरे हमेशा याद रखो ना, जिसमें विभाजित किया उस वो बराबर से ए गुणित ए, जितना शेषफल बच गया उसको जोड़ दो, फिर शेषफल शून्य है क्या, नहीं है, शेषफल बराबर से नहीं है शून्य, तो फिर पुनः
जब शेषफल शून्य नहीं है तो 4 और 24 के बीच में एल्गोरिथम लगाएंगे, 24 बड़ा है 4 के बीच, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और मैं आपको बता दूं कि जब तक ऐसा नहीं बनाओगे तब तक ऐसा लिखने में समस्या आएगी। अभी मैं और एक बार समझाऊंगा तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, चिंता नहीं करना। अरे सर ये तो बहुत उल्टा सीधा काम है। अरे कुछ भी नहीं है, अभी मैं देखना अभी इसको बताऊंगा मैं, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसका जब प्रयोग किया आपने तो क्या हो गया भाई, 24 बराबर से 4 × 6 धन शून्य। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर शेषफल शून्य बच गया, जो हम चाहते थे बच गया ना आखिर में शून्य। तो शेषफल क्या है, शून्य है। अतः अंतिम भाजक कौन है, अंतिम बार किससे भाग दिया आपने, 4 से 4 ही किसका, 44,052 तथा 12,576 का HCF होगा। याद रखना कि जहाँ पर शून्य होता है ना उससे पहले हमने किससे भाग दिया, तो 4 से भाग दिया, तो वही क्या होगा, HCF होगा। क्लियर, तो ये बातें जो लिखना है ना इसमें घबराना नहीं है कि भैया क्या लिखना है, उसके लिए आपके पास में ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। देखना, ध्यान देना इधर, पहले तो नोट कर लो आप इसको, फिर उसके बाद समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पेन चलाऊंगा इसमें तो फिर नोट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। हाँ ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन दिया है कैसा भी क्वेश्चन हो, इसमें बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, तो बड़े को छोटे से विभाजित करना, कर दिया गया, देखा बड़े को छोटे से विभाजित किया, कितना शेषफल बच गया, इतना। क्लियर, शेषफल जो बचाना उसी से इसको विभाजित करो। देखना ये इसको इससे विभाजित करो, देखिए ये वाला यहाँ लिखा मैंने किया कि नहीं विभाजित, फिर शेषफल बच गया इतना, शून्य बचा क्या, नहीं, तो फिर इसको इससे इसको विभाजित करो। देखिए पहले इसको इससे विभाजित किया था, अब इससे इसको विभाजित करो, देखिए कर दिया, फिर शेषफल बच गया इतना, तो इससे इसको विभाजित करो, देखिए ये आ गया यहाँ पर, अरे विभाजित कर दिया, अरे विभाजित करने का तो तरीका वही है पुराना, फिर इतना बच गया तो इससे इसको फिर से विभाजित करो, अब आसान लग रहा होगा, फिर इतना बच गया तो इससे इसको विभाजित करो, ये विभाजित करने का तरीका वही है, फिर इतना बच गया तो इसको इससे विभाजित, इसको इससे विभाजित करो, फिर शेषफल 0 बच गया। हमारा टारगेट है कि शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बात क्लियर है। अब देखना लिखने का तरीका, हमने क्या बोला कि पहले, सबसे पहले ध्यान देना इधर, सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, सबसे पहले इसके और इसके बीच में एल्गोरिथम लगाई ना, तो ये बराबर से ये गुणित ये धन ये होता है, बस सिंपल सी बात है। आपने बोला कि इसके और इसके बीच में एल्गोरिथम लगाई हमने, तो ये बराबर से ये गुणित ये धन ये, यही तो लिखा मैंने, और हमने बोला कि भैया ये शेषफल क्या है, शून्य नहीं है, शून्य है क्या, नहीं है, तो फिर इसके और इसके बीच में एल्गोरिथम लगाएंगे, यही तो बात लिखी है मैंने, ये शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है, इसलिए इसके और इसके बीच में एल्गोरिथम लगाइए। अच्छा जब दोनों के बीच में एल्गोरिथम लगाई तो कैसा लिख सकते हैं इसको, ए बराबरी से ए गुणित ए धन ए, फिर वही काम, ये शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, इसीलिए इसके और इसके बीच में एल्गोरिथम लगाएंगे, यही दो बात लिखी है। फिर लगाई, फिर ये शून्य नहीं है तो फिर इसके और इसके बीच में एल्गोरिथम लगाई, फिर ये शून्य नहीं है शेषफल तो फिर इनके दोनों के बीच में एल्गोरिथम लगाई, और लगाने के बाद में क्या लिखेंगे, ए बराबर से ए गुणित ए धन ए, बस थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
मैंने इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे अब इसके बाद में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनने वाले आपके, ठीक है ना। अब आसानी से जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो बड़े आसानी से समझ में आने वाले। अब अगला उदाहरण देखते हैं। Thank you.